कहा कि मूत कर पियो, मूत कर पीने वाले हैं। अरे स्टूडेंट है, कल को इंजीनियर बनेंगे, उसका मूत सिगरेट पी के, दारू सिगरेट पी के पूरा ग्राउंड में घूमता है, रात में दारू सिगरेट पी के पूरा ग्राउंड में घूमता है। तुम लोग कुत्ता का बच्चा है, तुम हमारा जो गरीब अभद्रता से इतना गंदा गंदा बात, हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, सॉरी सर, गलती होगा, फर्स्ट बार, अगला बार से नहीं होगा सर, अगला बार से उनसे हम क्या सीखेंगे, खुद सिगरेट पी रहे थे, खुद सिगरेट पी रहे थे, हम लोग गवाही दे रहे थे, बताइए अच्छा बात है। अब भैया वो चार पांच आदमी को और मारा है, डंडा से चार पांच आदमी को और मारा है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवान हटे, जो कि बावनडीह में अवस्थित बटे चैनपुर के लगे, वहां पर अभी एगो विवाद भइल बा, और ऐसा पता चला लगे प्रिंसिपल के द्वारा बच्चा सुन के पीटल गेल बा, जना से कपार ऊपर फाटल बा। देखिए एगो लड़का यहाँ बाबे, और बाबू थोड़ा हल्ला कम करो, हल्ला ना बाबू, का मामला बा, आखिर काहे खातिर हल्ला गुल्ला भइल बा? सर मतलब क्लास में हम आए तो क्लास में कोई टीचर नहीं थे, तो हम यहाँ से अपना रूम पे चले गए और असाइनमेंट लिख रहे थे, उसके बाद प्रिंसिपल सर आए, प्रिंसिपल सर आए बिना कुछ बोले, ऊपर से रूल एक होता है उससे मारने लगे, यहाँ पे मारे तो फिर हम भागने लगे, तो फिर यहाँ पे देखे कि ब्लड लीक कर रहा है, दोबारा मैं दिखाने गए कि सर ब्लड लीक कर रहा है, तो फिर हल्ला मार दिए, दोबारा एक बार दिखाने गए तो फिर मार रहे हैं, मरे ना, हम ऐसे एक बार गलती करते हैं, जान लीजिए उनका, ये तो यहाँ तक गार्ड भी मारता है, यहाँ से गार्ड भी मार देता है बच्चों को, प्रिंसिपल के सामने चलो, प्रिंसिपल माइक पर गाली देगा, बताइए ना, साहब इससे बात कीजिए क्योंकि इसके साथ घटा हुआ है, खाली तौरे साथ बोल बाकी और क्यों, बहुत खाउलो थर्ड अटेम्प्ट, आओ सब था सर, लड़कों को गाली दिया जाता है, लड़कों को गाली दिया जाता है, हाँ गाली देते, गंदा कितना गाली बोलिए, इसका दारू पीता है, दारू दारू भी पीता है, दारू सिगरेट पीता है, परसों का बात है, परसों रात में सर, सुनना भाई, सुनना भाई, बाप से नहीं करेंगे हम, कहता है हम किसी का बाप से नहीं डरते हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी करता है खाली, नीतीश क्या बोलता है, नीतीश क्या बोलता है, हम पे दिए कुछ है नीतीश का ही, कहता है मुत पे लो, अब भैया वो चार पांच आदमी को और मारा है, डंडा से चार पांच आदमी को और मारा है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, हम लोग मतलब छह लोग रूम में, पहले आपका बात सुनेंगे, एक सेकंड, सर शांत सर, देखिए सर परसों का बात है, परसों का बात है, परसों मेस में रोटी सब्जी बना था, रोटी थोड़ा मशीन से बना कड़ा था, तो यहाँ पे मतलब एक भैया हैं जो ऑनलाइन फूड मंगाते हैं, उनके पास फोन करके हम लोग फूड मंगाए, रात के 8:30 बज रहा होगा, हम लोग यहाँ पे गेट पे पहुँचे, प्रिंसिपल सर ऊपर सिगरेट पी रहे थे, हम थे, मैं दोस्त प्रतीक था और एक आकाश कुमार नाम का था, तीनों थे, हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम लोग कुत्ता का बच्चा है, तुम हमारा जो गरीब अभद्रता से इतना गंदा गंदा बात, हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, सॉरी सर, गलती होगा, फर्स्ट बार, अगला बार से नहीं होगा सर, अगला बार से देता है, उनसे हम क्या सीखेंगे, खुद सिगरेट पी रहे थे, हम लोग गवाही दे रहे थे, बताइए अच्छा बात है, बहुत गंदा गंदा, भैया बोलते हैं कि तुम सबको अच्छा इंजीनियर बनाएंगे, खुद गाली देते तो हम लोग कैसे बनाएंगे अच्छा इंजीनियर, अपने में चेंज करें तब ना हम लोग में चेंज होगा, आप ही बताइए, अब बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब पीते हैं, उस दिन शराब पिए हुए थे, सामने सिगरेट, उस बिल्डिंग से सामने सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पी के हम लोग गाड़ी, तुम लोग कुत्ता है, कुत्ता का बच्चा है, तुम लोग कैसा संस्कार, तुम लोग घी नहीं पचेगा, पूरा गंदा गंदा गाड़ी दिए हम लोग के, बिना गाली का बात भी नहीं करते हैं, सर प्रिंसिपल आप ही हैं, नहीं बच्चों के साथ मारपीट हुआ है और आप मारे, सर रुकिए, बच्चों के साथ मारपीट हुआ है और आप तमाशा मत बनाइए, अब तमाशा मत बनाइए, तमाशा आप खुद बना रहे हैं, बच्चों के साथ यहाँ बच्चों के साथ मारपीट भइल बा,
बच्चन के मारल गई बा और प्रिंसिपल साहब कहते रहे कि तमाशा मत बनाइए। ये देख ली बच्चा हुआ सा जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवान के बावंडी के बच्चा हुआ जगरा के साथ मारपीट भइल बा और प्रिंसिपल साहब कहते रहे कि तमाशा मत बनाइए। तमाशा ना तो का हो जब प्रिंसिपल साहब मारे तेरे लड़कन के लाठी से और कपार फोड़ ले बने कहता है कि मौत कर पियो मौत के पीने वाले हैं। अरे स्टूडेंट है कल को इंजीनियर बनेंगे उसको मौत पे दारू सिगरेट पी के दारू सिगरेट पी के पूरा ग्राउंड में घूमता है रात में दारू सिगरेट पी के पूरा ग्राउंड में घूमता है। क्या सीखेंगे हम लोग इससे क्या सीखेंगे बिहार में दारू बंद है दारू पीता है सिगरेट पी के पूरा ग्राउंड राउंड मारता है ग्राउंड टीचर हो गया हमेशा सिगरेट पी के घूमता है। दो बार ट्रांसफर हो चुका है पैसा दे के साला वापस आ गया दूसरी वाला यही पे रुकता हमेशा यही पे रुकता कि नहीं जाएंगे साला बहुत सर बोलते हैं कि 10 से 5 तक चाहे रहना है ना फिजिक्स का लैब चलता है ना केमिस्ट्री का लैब चलता है कुछ नहीं होता सब प्रिंसिपल छात्रों के साथ गलत दो बार उनका ट्रांसफर हो चुका है। एक उम्र स्टूडेंट 60 या 65 होता है इनका 68 साल हो गया कैसे यहाँ रह रहे हैं तुम्हारे बाप माँ के नौकर ये बोलते हैं ये छात्रों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हम लोग वॉशरूम जाते हैं हाथ धोते तो गाली देते हैं गाली देते हैं जूता से मारेंगे तुम्हारे बाप माँ के नौकर हैं हम ऐसे बोलते हैं तुम्हारे टीचर चोर हैं जिंदगी खराब कर देंगे। ये जो लफड़ा हुआ है ये पहली बार हुआ है कि हमेशा होता है बताते हैं सर हम 3 से 2 साल से रहते हैं लास्ट ईयर है हमारा हम बताते हैं क्या अत्याचार होता है यहाँ पे। पिछला बार हॉस्टल में एक गार्ड के द्वारा लड़का को मार दिया था यहाँ पे पूरा निशान हो गया था उसका फोटो भी है अभी मार दिया था हम लोग एप्लीकेशन लिख के लाए प्रिंसिपल ऑफिस में सर गार्ड के द्वारा मारा गया तो प्रिंसिपल सर हमारे बोलते हैं तुम मारा है कौन देखा है गार्ड मारा है गार्ड 4-5 लड़का देखा है मारा है तो बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ये लड़का मारा है क्या सबूत है तुम्हारे पास कि गार्ड मारा है हमने फोटो दिखाया बोल रहे हैं कि तुमको हॉस्टल से निकाल देंगे और आज हमको हॉस्टल से निकाल दिया गया देख ली प्रिंसिपल साहब के द्वारा लड़का के पीटल गेल बा जब पूछे खाती गई हलो तो दोबारा पुनः मार 15 लोग मारे खाती 15 लोग घेर घेर के मारल जात रहे डंडा रॉड रहे रॉड मारो काहे खाती जात रहे कोनो कारण होई क्लास नहीं गए थे क्लास नहीं चल रहा था उसमें क्लास नहीं चल रहा था मारल कहाँ से क्लास ना चलते कोई टीचर ना रुए पढ़ा ना रुए बोला जाता है कि तुमको कॉलेज से निकाल देंगे बार बार धमकी दिया जाता है करियर खराब कर देंगे गाली दे रहे हैं सर क्या बताए उनको अच्छा टीचर होना चाहिए हमेशा करता है गाइड करना अच्छी बात है बट ये तरीका गलत है ना गाइड कीजिए अच्छी बात है लेकिन ये गलत तरीका से ऐसे आप कीजिएगा तो ठीक ना है हमेशा खाने का हमेशा लड़का की तबीयत खराब रहता है हमेशा 2 दिन के बाद खराब होगा कुछ नहीं खराब होता है हमेशा कंप्लेन देते हैं ऐसा रोटी बन रहा है ऐसा सब्जी कुछ नहीं होता है कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होता है बोलता निकाल निकाल छोड़ दो किसका है बड़ा बाबू के है बड़ा बाबू का अपना चलाते हैं हम लोग जब बोलते हैं मैं अच्छा बनवाइए तो बोलते हैं अपना मैच बनाओ हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए कि मैच चलाने के लिए आए बताइए ना हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए ना कि मैच अपना बुलाएंगे हम मैच चलाएंगे हॉस्टल से निकाला जाता है ऐसा कुछ होता है बार बार नोटिस निकाला जाता है कि तुमको धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको करियर बर्बाद कर देंगे देखिए मैच से खाना कंप्लेंट करने पे कहते हैं कि कुत्ते को घी हजम नहीं होगी और वही खाना बेकार खिलाया जा रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया था मैच पे कहा था तुम्हारे बाप खाना खाए ऐसा मैच में गलत खाना खिलाया जा रहा है बोलने पे कोई नहीं सुन रहा है 10 बार कंप्लेन दिए कार्रवाई नहीं हुआ है यही बोलने का तरीका है मुंह पे पी लो कहते हैं तुम्हारे बाप के नौकर हैं ये बोलते हैं जब सीसीटीवी कमरा में से पावर बैंक चोरी होने के बाद जब सीसीटीवी चेक कराने गया गया तो कह रहे दारू सिगरेट डेली पीता बिहार में बंद है तभी पीता गार्ड कितने हैं वो गार्डगिरी छोड़ के मेस में खाना बनाते हैं पीछे साफ करते हैं अरे यहाँ पर गार्ड बच्चे को मार देते हैं कौन प्रिंस पावर दे दिया है इनको आप एक बात बताइए आपसे वो बात करना क्यों नहीं चाहते हैं बस आपसे बात करना क्यों नहीं चाहते हैं बताइए हम कुछ नहीं चाहते प्रिंसिपल माफी मांगे हम लोगों सामने आकर प्रिंसिपल माफी मांगे हम गलती किए हैं मारे हैं बस कुछ नहीं चाहिए माफी प्रिंसिपल मांगे बस प्रिंसिपल माफी मांगे हॉस्टल से रेस्टिकेट करने का बोलता है बार बार धमकी देते हैं कि
नाम काट के निकाल देंगे, बार बार धमकी देता है कि हॉस्टल से निकाल देंगे, हर बच्चे को धमकी दिया जाता है हॉस्टल से निकाल देने का। माफी मांगे क्या या फिर आप इंसाफ दिला सकते हैं तो प्रिंसिपल से आप बात कीजिए, बाहर आके बात करेंगे, बाहर प्रिंसिपल आके बात करेंगे। 15 लोग जाके घेर के मारे रोड से, क्या होगा लड़का सब यहाँ पर मरे नहीं हो लड़का मारे नहीं टीचर गए हैं मारने के लिए, नशा में आके ऑफिस बैठता है प्रिंसिपल, नशा करता है गार्ड के गांजा दारू सिगरेट पी के पूरा ग्राउंड में घूमता है। हम लोग देखेंगे उसे तो क्या सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे। देख ली की मामला बटे कि बच्चन के पीटल गई बा प्रिंसिपल के द्वारा, जो प्रिंसिपल से बातचीत करे के हम कोशिश करनी है, तुम्हें कहते नहीं कि हमारे इज्जत का तमाशा मत बनाइए और अंदर भाग गई नहीं हो, तब आगे ये लड़का जोन बड़े यह सब हंगामा कर रहा बड़े, आगे पुलिस प्रशासन या उच्च अधिकारी लो से, उच्च अधिकारी लो से मांग रही कि आके यहाँ पर देखी और यहाँ रिजाइन के मांग हो रहा था। रिजाइन के मांग हो रहा बा, हम पल पल का अपडेट देखा, हम देखते रही मैच बॉक्स।